हरियाणा एट 9 पीएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान इसका चेयरमैन का घेराव करना था, अकस्मात उनके घर के नजदीक कोई मौत होने के कारण हमने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया। और जब तक ये सरकार हमारी नहीं सुनेगी, हम JJP और BJP की नेताओं का बहिष्कार करते रहेंगे और इनके बारे में बहिष्कार करने के साथ साथ इनको गांव में नहीं सुनने दिया जाएगा। जैसे किसानों जो तीनों कृषि कानून बनाए गए हैं, किसान जब पूरा किसान रोड के ऊपर है तो पूरी जनता ने इनको बनाया है। जनता इनका विरोध कर रही है, इसलिए कर रहे हैं कि ये अभी भी दो मुई नाक की तरह दो मुई बात कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं हम किसान हित की बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला कहता है कि मैं अगर MSP खत्म हो जाएगा तो मैं वो छोड़ दूंगा। जब MSP जब मंडियां ही खत्म हो जाएंगी, जैसे मेरे एरिया में हम DC साहब से भी मिले, जो कपास है बिल्कुल भी नहीं खरीदी गई, MSP तो बिल्कुल ये तोड़ना चाह रहे हैं, ये तो अडानी अंबानी को बेचना चाह रहे हैं, तो अब इन्होंने वो दे देना चाहिए। हम इसलिए आए हैं, ये जो जज्बा के जो समर्थक हैं इनका विरोध करने के इसलिए आए हैं कि हमारे साथ में आए। जनता इनका विरोध करेगी, गांव में जाएंगे तो भी इनका विरोध किया जाएगा, और गांव वाले बिल्कुल खरखोदा क्षेत्र के आदमी इनको गांव में बिल्कुल भी नहीं घुसने देंगे, या ये हमारे साथ में आए। अगर किसान का बेटा है पवन खरखोदा तो वो हमारे साथ में आए। और जो ट्रैक्टर ले जाकर दुष्यंत चौटाला जो दाता था सांसद बन करके, वो झूठ बोल रहा है, किसान का बेटा नहीं है, वो तो अपना खुद गावा बन गया, अपनी जागीर बना ली उसने, तो खट्टर की मुख्यमंत्री के गोद में बैठा है, वो सरकार की बोली बोलता है। इसको जनता खर खोदेगी, जनता और पूरे हरियाणा की जनता, हरियाणा का किसान मजदूर इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और गांव में इनका विरोध किया जाएगा। पर हम मोदी जी हमारी रणनीति भी बताना देना चाहते हैं। हम धैर्य पूरे ढंग से बैठे हैं, सबर करते हुए बैठे हैं, लेकिन हमारे धैर्य की परीक्षा लेंगे तो हम करें और मरो की नीति भी अपना सकते हैं। वे हमारी परीक्षा ना लें, उनसे विनती है वे जल्दी से जल्दी हमारा समाधान करें, हमारे साथ हों। धन्यवाद। देखिए आज हाँ भाई, आज का लक्ष्य था हमारा पवन खरखोदा का घेराव करने का। किसी कारण एक लड़के की वहाँ डेथ होगी, उस कारण हमने ये कैंसिल कर दिया। और आज्ञा गिरण रीति हम 4 तारीख के बाद अपनाएंगे। अपनी जितने भी JJP के या BJP के जितने भी पदाधिकारी, चाहे पदम सिंह दैया हो, चाहे पवन हो, चाहे प्रीतम खोखर हो, कोई भी हो, सभी काम जोरदार विरोध करेंगे और अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। और जब तक तीनों बिल वापस नहीं होते, इतने किसान अपने घर नहीं आएगा, धरने पर रहेंगे। अब हम बी सिंह बॉर्डर पर जा रहे हैं और ये सरकार ने सुन लेनी चाहिए इन किसानों की। छोटे छोटे बालक बच्चे वीरबानी जो हमारी बहने माताएं जो घर पर खाना नहीं पका रही थी, आज रोड पर खाना पका रही। एक तरफ तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बेटी रोड पर पड़ी है, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।